बिल्ली और चूहिया की जंग। एक जंगल में बिल्लियों के एक समूह ने एक चूहिया को अकेला देखकर उस पर हमला कर दिया, पर चूहिया लंबे समय तक बिल्लियों के सामने नहीं रुक पाई और काफी डर गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान एक बिल में घुसकर बचा ली। अब चूहिया ने सोचा कि मुझे अपने साथियों के साथ एक सभा करनी चाहिए। जंगल के सभी चूहों को बुलाकर सभा की। सारे चूहे जंगल के एक स्थान पर इकट्ठे हो गए। चूहिया ने पूछना शुरू किया, दोस्तों आप सबको अब पता चल चुका होगा आज हमने यह सभा क्यों बुलाई है। नहीं नहीं, हमें नहीं पता क्यों बुलाई है आपने ये सभा। हमारे जंगल में बिल्लियों ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया है। तो हम क्या करना चाहिए? यही तो आप सब में से मैंने ये जानने के लिए बुलाया है। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। जो हमारे हट्टे कट्टे साथी चूहे हैं, उन्हें अपना सैनिक गार्ड बनाकर चुनाव करना चाहिए। साथ ही उन्हें रक्षा कवच में हेलमेट के रूप में जरूर देना चाहिए। इस प्रकार एक सैनिक गार्ड की टुकड़ी बनाई गई चूहिया रानी के लिए। फिर बिल्लियों ने एक दिन चूहिया की टुकड़ी पर हमला कर दिया, लेकिन सारे चूहे डर गए, बिल्लियों के हमले के सामने नहीं टिक पाए। चूहिया रानी तो अपने बिल के अंदर जाके घुस गई, लेकिन चूहे अपने हेलमेट के कारण नहीं घुस पाए। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हर कार्य को करने से पहले उसके दोनों पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए।